डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल चौहान की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेज के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मेडिकल कॉलेज के सभी प्रशासनिक तथा शैक्षिक खंडों, अस्पताल तथा हॉस्टलों में विभिन्न स्थानों पर एंटी रैगिंग से संबंधित साइनेज स्थापित किए जाएं तथा इन साइनेज बोर्डों पर एंटी रैगिंग अधिनियम से संबंधित प्रावधान, हिदायतें तथा संपर्क सूचना स्पष्ट रूप से लिखी गई हो। कॉलेज में प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष के MBBS छात्रों से उनके माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर युक्त एंटी रैगिंग शपथ पत्र लेना सुनिश्चित किया जाए। विशेषकर प्रथम वर्ष के MBBS छात्र छात्राओं के हॉस्टलों में एंटी रैगिंग अधिनियम के प्रावधानों को लेकर साइनेज तथा सायरन स्थापित किए जाएं। इसके अतिरिक्त 24 घंटे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। हर माह एंटी रैगिंग दस्तों का गठन सुनिश्चित किया जाए। सत्र के शुरू के महीने में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल तथा छात्रावास परिसर में नियमित रूप से पुलिस गश्त लगाई जाए। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, हॉस्टल तथा जरूरत के अनुसार अन्य स्थानों पर CCTV कैमरे भी स्थापित किए जाएं। तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को कोई भी विभाग 112 नंबर पर किसी भी समय जानकारी दे सकता है। MBBS एडमिशन सत्र के शुरुआती महीने अगस्त माह से अक्टूबर माह तक एंटी रैगिंग कमेटी की मासिक बैठक होगी तथा इसके बाद त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर संस्थान के संयुक्त निदेशक राकेश शर्मा, एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रियंका डांगरी के अतिरिक्त कमेटी के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। हमीरपुर में तेज बारिश के चलते पुलिस भर्ती में खलल पड़ा है और सुबह से दोपहर बाद तक पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि दोपहर बाद तक कुछ देर के लिए मौसम ठीक होने के बाद पुलिस भर्ती दोबारा से शुरू की गई। बारिश के चलते भर्ती के लिए पहुंचे सैकड़ों युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। पुलिस लाइन दुसड़का में 16 से 19 जुलाई तक पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है और भर्ती के लिए 5,400 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। भर्ती के दौरान SP अजीत सेन ठाकुर ने शिरकत की और भर्ती प्रक्रिया का जायजा लिया। SP अजीत सेन ने बताया कि पुलिस भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है और सुबह से बारिश की वजह से दौड़ नहीं करवाई जा सकी है। उन्होंने बताया कि बारिश के बाद ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले भर्ती प्रक्रिया बड़ू मैदान में होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ही दुसड़का मैदान में करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जिला हमीरपुर ने वरिष्ठ प्रांत उपाध्यक्ष जगवीर चंदेल की अध्यक्षता में जिलाधीश हमीरपुर हरिकेश मीणा को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा तैयार किया माध्यमिक संवर्ग की मांगों का मांग पत्र सौंपा। इक्कीस सूत्री इस मांग पत्र में स्वायत्त माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन, शिक्षा के लिए बजट में बढ़ोतरी, केंद्रीय शिक्षकों के सम्मान, सातवें वेतनमान को लागू करना, नई पेंशन योजना को वापस लेना, नियमित आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां करना, समान कार्य के लिए समान वेतनमान, शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकना, संपूर्ण देश में सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष करना, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखना, शिक्षा कैडर बनाना, उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देना आदि मांगे हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरेश शर्मा, जिला मंत्री राजेश शर्मा, उपाध्यक्ष विजय शर्मा,
अध्यक्ष सुजानपुर खंड, राजीव शर्मा मंत्री हमीरपुर खंड, अरुण कुमार अध्यक्ष सुजानपुर, अनिल शर्मा आदि प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए।